सर, जैसे ये नई नई बछड़ी हुई है और ये प्री मेच्योर बेबी है, तो इस केस में क्या करते हैं सबसे पहले? देखिए, चाहे कोई भी केस हो, जैसे डिलीवरी का कोई भी केस हो, सबसे पहला काम ये होता है हमारा जो काफ डिलीवर हुआ है उसकी नेवल कॉर्ड को एसेप्टिक कंडीशन से, ताकि कोई उसमें इन्फेक्शन ना फैले, कट करना होता है। एंड देन उसके बाद उसको मदर के पास रखते हैं। मदर उसको लिक करती है, जो भी उसका जेलेटिनिश मटेरियल जो बर्थ के टाइम पे काफ के बॉडी पे लगा होता है, तो मदर लिक करके वो साफ़ करती है। अगर मदर लिक ना कर रही है तो ये हमारा काम बनता है कि हम उसको किसी साफ कपड़े से उस काफ को ड्राई करें। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम जो आता है, जो मदर का जो मिल्क होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो काफ को फीड कराना ज़रूरी रहता है। कोलोस्ट्रम मिल्क लगभग 2 से 4 दिन के लिए मदर में होता है। डॉक्टर गुलशन, जैसे अभी इस गाय ने, जिसका नाम जानकी है, इसने बेबी डिलीवर किया, तो चाहे काउज होती हैं, चाहे डॉग्स होते हैं, कोई भी एनिमल्स हैं, अगर वो डिलीवरी करते हैं, उसके बाद मॉम की क्या खास ख्याल हमें रखना है? देखिए, डिलीवरी के बाद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने आपको काफ की केयर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मदर का प्लेसेंटा रिमूव होना ज़रूरी है। प्लेसेंटा लगभग 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर रिमूव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्लेसेंटा मदर की बॉडी के अंदर ही डिटेरियरेट हो जाएगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा। अब सड़ने की वजह से आपको पता ही है बॉडी में फिर इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्लेसेंटा पूरी तरह से कम्प्लीटली रिमूव हो गया है।